दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण टॉपिक, हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति यानी हाब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। दोस्तों हाब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों द्वारा किए गए आपसी समझौते का परिणाम है और इसी समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है। हाब्स अपने समझौते के आधार पर एक निरंकुश संप्रभु की बात करता है ताकि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों पर एक प्रभावी कानून की व्यवस्था कर शांति की स्थापना की जा सके। अर्थात सामाजिक समझौते के आधार पर एक ऐसे शासक या व्यक्तियों के समूह की उत्पत्ति होती है जो कि एक मानव देव या लेवायथन के रूप में हमारे सामने आता है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाब्स का सामाजिक समझौता। दोस्तों हाब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में विवेक से संचालित कुछ प्राकृतिक नियम विद्यमान थे। हम लोगों ने एक प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार संबंधी वीडियो में भी देखा था कि हाब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में विवेक से संचालित कुछ प्राकृतिक नियम थे, लेकिन इन नियमों का पालन कराने वाली कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी। और हाब्स का मानना है कि यदि व्यक्ति स्वभाव से शांतिप्रिय होता और बिना किसी सर्वोच्च शक्ति या सत्ता के रह लेता तो शासन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य शांतिप्रिय नहीं है, वह स्वार्थी है और अपने संवेगों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है और उसका स्वार्थ उसे हमेशा संघर्ष के लिए प्रेरित करता रहता है। ऐसी स्थिति में एक संस्था की आवश्यकता थी जो शक्ति के आधार पर व्यक्तियों को शांति में रहने के लिए बाध्य कर सके। यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें विवेक से संचालित कुछ नियम तो थे, लेकिन उसमें किसी प्रभावी सत्ता या शासक की अनुपस्थिति थी जो उनको एक कानून मनवाने पर बाध्य कर सके। ऐसी स्थिति में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो शक्ति के आधार पर यानी बल प्रयोग के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी तीन चीज़ें बहुत ही जरूरी रूप से विद्यमान थी उस अवस्था में, वो थी आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा। तो व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना तो थी ही, असामाजिकता भी थी, लेकिन इसके बावजूद आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा भी विद्यमान थी और इसी कारण वे एक प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का एक ही ढंग है और वह है समस्त शक्ति को एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति अर्पित कर देना। हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से यह कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या इस आधार पर इस व्यक्ति समूह को इस शर्त पर देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह इस व्यक्ति या समूह को दे दो। हाब्स का जो समझौता का सबसे प्रसिद्ध जो मूल थीम है वो ये है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है और इस समझौते की जो शर्त थी उसमें ये था कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से यह कहा कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस आधार पर या इस शर्त पर देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार को इसी तरह इस व्यक्ति या समूह को दे दो। और इसी के आधार पर, इसी समझौते के आधार पर एक संप्रभु शासक का उदय होता है जिसके केवल अधिकार ही अधिकार थे और उसे लेवायथन कहा जाता है। इस प्रकार हाब्स का समझौता जो है वो एक सामाजिक समझौता है और यह जनता के द्वारा ही परस्पर किया गया है। जो समझौता है सामाजिक है, ये जनता के द्वारा जनता से ही किया गया है। यानी इसमें जनता और शासक के बीच कोई समझौता नहीं होता है, बल्कि ये आपस में जनता द्वारा ही किया गया है और शासक या संप्रभु जो होता है इस समझौते में सम्मिलित नहीं होता है क्योंकि वह पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि वह समझौते के फलस्वरूप और समझौते के बाद अस्तित्व में आया है। हाब्स कहता है कि समझौते में किसी पक्ष के रूप में सम्मिलित न होने के कारण संप्रभु की शक्ति असीमित और निरंकुश होती है। हाब्स का मानना है कि जो संप्रभु है वो
किसी भी पक्ष के रूप में वहाँ पे समझौते के समय या समझौते में उपस्थित नहीं था, इसलिए उसकी शक्ति असीमित और निरंकुश होती है। और समझौते के फलस्वरूप जो नर मानव या मानव देव लेवायथन अस्तित्व में आता है, वह इस समझौते से बाहर है और इससे ऊपर है। यानी समझौते की जो शर्तें हैं वो केवल व्यक्तियों पर लागू होती हैं, न कि लेवायथन पर, इसलिए उसकी शक्तियाँ असीमित और निरंकुश हो जाती हैं। और इसकी स्थापना हो जाने के बाद व्यक्तियों को उसका विरोध करने का भी अधिकार नहीं रह जाता है। यानी जब एक कॉमनवेल्थ या नागरिक समाज की स्थापना हो जाती है और जो शासक होता है समझौते के द्वारा, जिस शासक की उत्पत्ति होती है, उसके स्थापना के बाद व्यक्तियों को उसका विरोध करने का भी अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि शासक या संप्रभुताधारी को समस्त अधिकार सर्वदा के लिए सौंप दिए जाते हैं। व्यक्तियों ने अपने अधिकार एक नर मानव या लेवायथन को सौंप दिया है और ये सदा सर्वदा के लिए सौंप दिए जाते हैं, इस कारण ये वापस भी नहीं लिए जा सकते। व्यक्तियों ने अपने अधिकारों को लेवायथन को सौंप दिया ताकि उनके ऊपर एक प्रभावी सत्ता रह सके, लेकिन वो अधिकार जिन्हें दे दिया गया है उनको वापस नहीं लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हें वापस मांगने का अर्थ होगा कि सभ्य समाज को भंग करके उसी फिर प्राकृतिक दशा में लौट जाना, जहाँ की शांति और सुरक्षा की कोई गंजाइश नहीं होती है। यानी जो हाप्स के समझौते से लेवायथन की उत्पत्ति होती है, जो एक शासक है लेवायथन या संप्रभु सत्ता लेवायथन की उत्पत्ति होती है, उसको उसका विरोध व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसको जो अधिकार सौंपे गए हैं, उस अधिकार का, उसके शासन का, उसके आज्ञा का विरोध करने का अधिकार भी व्यक्तियों को नहीं रह जाता है, और न ही जो अधिकार सौंपे गए हैं उनको वापस लेने का अधिकार रह जाता है। क्योंकि अगर जो वो अधिकार वापस लिए जाएंगे तो व्यक्ति फिर उसी प्राकृतिक अवस्था में, यानी अशांति, संघर्ष और भयावह स्थिति में पहुंच सकता है। हाप्स के समझौता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं को आइए देख लेते हैं। पहला कि यह एक सामाजिक समझौता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि समाज में जो व्यक्ति हैं उनके मध्य हुआ है। दूसरी विशेषता ये कि समझौते के फलस्वरूप जो शासक या शासन करने वाले व्यक्तियों का समूह, यानी जिसको अधिकार दिए गए हैं, इस समझौते का भाग नहीं होता है। और तीसरा, शासक या संप्रभु का विरोध नहीं किया जा सकता है। तो शासक या संप्रभु जो है उसका विरोध नहीं किया जा सकता है, उसका क्या आधार है वो भी हाप्स के समझौता सिद्धांत की विशेषता है। विरोध क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह समझौता एक पक्षी है, समझौता एक पक्षी है, अर्थात जनता द्वारा आपसी समझौते से संप्रभु का निर्माण हुआ है, और यह जनता और संप्रभु के बीच में नहीं किया गया है, बल्कि संप्रभु इससे बाहर है, इसलिए संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पांचवी विशेषता यह है कि समझौते का पक्ष नहीं होने के कारण संप्रभु या लेवायथन पर समझौते की कोई शर्त भी नहीं लागू होती है, इस कारण समझौते के बाद सभी को उसके आदेशों का पालन करना होता है, और ऐसा नहीं करने पर संघर्ष की स्थिति आएगी और लोग पुनः उसी प्राकृतिक अवस्था या अशांति और संघर्ष की स्थिति में पहुँच जाएंगे। अगली विशेषता है कि संपूर्ण शक्तियाँ शासक में केंद्रित होती हैं, और ऐसे शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता वही होगी जो संप्रभु चाहेगा। यानी व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार उस जो श्रेष्ठ मानव या लेवायथन को सौंप दिया है, और व्यक्तियों की स्वतंत्रता वही होती है ऐसे में जो कि संप्रभु चाहेगा। लेकिन यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप को मारने, घायल करने, आक्रमण करने वाले का विरोध न करने, वायु, ऐसा औषध या किसी अन्य वस्तु का सेवन न करने जिसके बिना वह जीवित न रह सकता हो की आज्ञा देता है, तो व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। संपूर्ण शक्तियाँ यद्यपि शासक में केंद्रित हैं और शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता संप्रभु की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन यदि व्यक्ति या शासक जो होता है व्यक्ति के जीवन रक्षा में कोई बाधा उत्पन्न करता है या उसके आत्मरक्षा की गारंटी नहीं लेता है, तो यही एक शर्त है जिसके आधार पर व्यक्ति संप्रभु के आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। क्योंकि राजा या शासक
आज्ञा पालन का एकमात्र उद्देश्य आत्मरक्षा ही है। यानी व्यक्तियों ने आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही यह समझौता किया है, और यदि शासक कोई ऐसी बात कहता है जिससे उसके जीवन को नुकसान पहुंच सकता है या वो जीवित नहीं रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह संप्रभु की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर सकता है। दोस्तों, स्पष्ट है कि हाब्स सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य के उत्पत्ति की बात करता है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में परस्पर संघर्ष करने वाले लोग कैसे शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले बन सकते हैं, यह बात हजम नहीं होती है। तो इसके हाब्स के सामाजिक समझौता का पहला आलोचना या महत्वपूर्ण आलोचना यही होती है कि प्राकृतिक अवस्था में जब परस्पर संघर्ष की अवस्था थी, तो वो लोग कैसे शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाले बन सकते हैं, यह बात नहीं पचती है। इसके अलावा इस समझौते की जो शर्तें थीं वो बुद्धिसंगत नहीं लगती हैं, क्योंकि लोग बिना शर्त अपने अधिकार एक व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं, यह बात भी हजम नहीं होती। लेकिन हाब्स प्राकृतिक अवस्था के लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक निरंकुश संप्रभु की व्यवस्था करता है, जिसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो हाब्स वो प्रथम विचारक है जो सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की बात करता है, और एक ऐसे संप्रभु या प्रभुता संपन्न संस्था या नरमानव लेवायथन की बात करता है जो इसके आज्ञाओं का पालन सभी को करना है और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, और ये जो समझौता हुआ है उससे कोई निकल भी नहीं सकता है। तो ये तर्क इस आधार पर हाब्स ने दिया कि एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जा सके और व्यक्तियों को नियंत्रण में रखा जा सके, ताकि समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना की जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण टॉपिक हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।